जाती हूँ बाबू, मगर आप झूठ बोल रहे हैं। तो जा जा। जाती हूँ, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ये लड़की, इधर आ। लीजिए बाबू, लीजिए। क्या नाम क्या है तेरा? बिंदिया। बड़ा सुंदर नाम। देखिए कितनी सुंदर फूल है ये। हाँ हाँ है तो ये ले देंगे। फूल नहीं लीजिएगा? क्या नहीं, ये फूल लाल फूल रहता, मुझे नहीं अच्छे लगते। तो रखिए अपने पैसे, मैं कोई ऐसी से नहीं हूँ, न जाने आप मुझे क्या समझने लगे हैं। अरे तो हम भी कोई ऐसे नहीं है, न जाने तू हमें क्या समझने लगी है। बहुत से बाबू ऐसे ही होते हैं, न जाने क्या से क्या समझ के दिल लगी कर बैठते हैं। बड़ी आने वाली है बाबा तू। अच्छा ये अब ठीक है ना? आप भी क्या है, ये तो कली है। कली ये मैं जानता हूँ, ये कली है, मैं कोई गधा नहीं हूँ। आपका क्या ख्याल है? ए बिंदिया, क्या है फिरजू? क्या है, जैसे जानती हूँ। ला पैसे निकाल। कैसे पैसे? मैं नहीं देती। जा। अरे पैसे निकाल, मैं कहता हूँ। मैं नहीं देती। जा। नहीं देती। अच्छा करो जल्दी कर। अरे शरीर कहीं की। बाबू, बाबू, बाबू मुझे बचाइए। बिंदिया,
कौन है बेटू? कौन है ये बिल्ला? ये मेरा कोई नहीं, ये बहुत जालिम है, हमेशा मेरे पैसे छीन लेता है और मुझे मारता है। खामोश, शर्म नहीं आती तुझे? चल भाग यहाँ से। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मैं मर गई, आपको मेरे कारण ये सब। बाबू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ बाबू, यही पास में एक डॉक्टर जी का मकान है, जल्दी ले चलो। वो बड़े अच्छे हैं, गरीबों के बहुत काम आते हैं। चलिए बाबू, मैं आपको ले चलती हूँ। चलिए बाबू, चलिए मेरे। की बेटी जो इतने ऊंचे सुर में गा रही है। डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब मुझे घूसा घूसा। डॉक्टर जी क्या घूसा मार दूं? नहीं नहीं, घूसा पड़ा है, नदी किनारे आए हुए थे ना, जाने क्या। बस घूसा ही पड़ा है ना। अच्छा तुम चुप रहो, आप अंदर आइए। बेटे तू जा यहाँ से, मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? मैं तो हूँ और तू भी है, तू झूठ बोल के बिंदिया। बिंदिया तू जानती है मैं सुबह से तेरी खोज में था। मेरी खोज है? हुआ दमड़ी का हजाम, क्या मेरी दाढ़ी है जो मुझे आया है? हाँ, नहीं नहीं बिंदिया नहीं, तू तो जानती है उधार मांगने कहाँ जाओ, भगवान कसम सुबह से आधी दाढ़ी तक नहीं मिली। न जाने किस क्यों सूरत मैंने देख ली बिंदिया। अपनी ही सूरत देखी होगी, जब देखो भूख को मरता है। नहीं ले जा, ले जा। बड़ी अच्छी बिंदिया। तो आजकल आप बेकार हैं डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अफसोस है। डॉक्टर साहब मुझे मेरी आंखें वापस मिल जाएंगी ना? डॉक्टर साहब मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, मुझे दिल की बीमारी है, कभी कभी दौरा पड़ जाता है। आपने आंखों के लिए पूछा था? जी हाँ। आपकी आंखें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, दो चार दिन इलाज करने की जरूरत है। भगवान
दो चार दिन इलाज की जरूरत है, लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास एक आखिरी ध्वनि थी जिससे मैंने ये कली खरीद ली है डॉक्टर साहब। अरे भाई, जिंदगी में हर काम रुपए पैसे के लिए नहीं किया जाता, आप बिल्कुल न घबराइए। तो क्या मुझे हर रोज यहाँ आना पड़ेगा? आप रहते कहाँ हैं? मैं अंधेरे में रहता हूँ डॉक्टर साहब। अंधेरे में? जी हाँ। मेरा ये झोपड़ा हाजिर है, दो चार रोज यही रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन देखिए ना, आप बिल्कुल न घबराइए, जिस दिन पट्टी खुलेगी आपको हर चीज साफ साफ नजर आएगी। अच्छा, मैं अभी आया। बहुत अच्छा। डॉक्टर जी, ओहो, तो अब तक आप यही खड़ी हैं? मेरा कहने का मतलब रात हो चली है। डॉक्टर जी, वो बाबू बड़े अच्छे हैं। तो मैं कब कहता हूँ बुरे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा हम बाबू अच्छे हो जाएंगे, कब आएंगे, कहीं मर तो नहीं जाएंगे? जरूर मर जाएंगे। अरे अरे, सब एक दिन मर जाते हैं, एक दिन वो भी मर जाएंगे। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक कदम का फासला है। घबराओ नहीं, चार दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगे। अब तुम जाओ जाओ। डॉक्टर साहब, क्यों आपको दिल की बीमारी क्यों है? आपने मुझे बिल्कुल गलत समझा। आजकल नौजवानों को जो दिल की बीमारी होती है, जी हाँ, वो मुझे नहीं है। आपकी उम्र क्या होगी? यही कुछ 15-16 साल। दिखाई नहीं देता ना वो? आप मेरा हाथ आराम से लेट जाइए। हाँ जी, बस लेट गया, लेट गया जी। घबराइए नहीं। हाँ नहीं, याद रखना याद पाया इस सुहानी रात को, याद रखना याद पाया इस सुहानी रात को, दो दिनों चुके चुपके जो है मैं को, दो दिनों में चुपके चुपके जो है मैं को, याद रखना चांद तारे इस सुहानी रात को, याद रखना।
बताओ इस सुहानी रात को। नहीं, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे आवाज देनी होती। अगर आपको आवाज दे देता तो फिर ये ठोकर कैसे लगती? जानबूझ के ठोकर भी तो नहीं खाना चाहिए। बगैर ठोकर खाए इंसान की आंखें भी तो नहीं खुलती साहब। आपकी आंखों पे पट्टी बनी हुई है, इस हालत में आपको बगैर सहारे के नहीं चलना फिरना चाहिए। अगर चोट लग जाती तो डॉक्टर साहब को एक इंजेक्शन और दे देना पड़ता। अच्छा चलिए, अब आप आराम कीजिए। ये आवाज किसकी थी? रेडियो की। कौन 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 गा रहा था? गीता देवी। अच्छा, मेरी आंखों से अभी ये पट्टी खुल सकती है? क्यों? मेरा ख्याल अभी आंखें अच्छी हो गई होंगी। वो कैसे? इतना अच्छा गाना सुनने के बाद कोई बीमार बीमार रह सकता है? तो ये गाना आपको बहुत पसंद आया? हाँ। ओह, ये घुटना, आपने आवाज बहुत मधुर पाई है गीता देवी। अच्छा, अब आप आराम कीजिए। देखिए, आप मुझे घड़ी घड़ी आराम करने के लिए क्यों कहती हैं? इसलिए कि आपके दिल और दिमाग दोनों को आराम की जरूरत है। दिमाग की जरूरत तो मैं समझता हूँ, लेकिन दिल की जरूरत को आज तक नहीं समझ सका। आपने कभी समझाया दिल की जरूरत को? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। ये सवाल खुद अपना जवाब है। गीता, गीता बेटी, गीता। पिताजी, पिताजी। फिर दिल बैठने लग गया था। हमारे दिल साहब न जाने कब तक हमसे दिल लगी फरमाते रहेंगे। आप भी तो जरूरत से ज्यादा अपने मरीजों का ख्याल रखते हैं, कुछ अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखा कीजिए पिताजी। दिन रात यही चिंता। बेटा, डॉक्टर की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी नहीं होती। जिंदगी हमारे पास हमारे मरीजों की अमानत है। फिर भी तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं जल्दी नहीं मरूंगा। पिताजी, डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, देखा? क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये हैं हमारे डॉक्टर साहब, चले आए मेरी हालत पूछने के लिए। अजी महाशय जी, ये घुड़दौड़ बंद कीजिए, आराम फरमाइए, इस उठक बैठक की इजाजत आपको नहीं मिल सकती। चलिए चलिए। मैं जान गया आप दवा, पर अगर मैं न पीऊं तो? क्यों? क्योंकि मेरी आंखें तो कल ही अच्छी हो गई थी। कैसे? कल आपने गाना जो सुनाया था, अगर आप यकीन नहीं होता तो देखिए पट्टी न खोली। तो फिर वादा कीजिए कि फिर वही गाना सुनाएंगे आज। अच्छा, दवा पी लीजिए। आज आपने शिकायत नहीं की कि दवा कर दीजिए। आज दुनिया बदली हुई है गीता देवी। अशोक बाबू। हाँ डॉक्टर साहब, जरा पिन दीजिए और ठीक से बैठिए। हाँ, वेरी। डॉक्टर साहब, ये पट्टी का झंझट कब खत्म होगा? क्यों भाई,
मैं आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ। अरे भाई मैं इतना हसीन थोड़ी हूँ कि मेरी शक्ल देखकर कलेजा थाम लोगे। मैं कह रहा था कि ठीक से बैठिए। बैठ गया। गीता देवी जी, हो सकता है कि बीमारी कुछ दिनों के लिए और लंबी हो जाए। ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? उसी पहलवान को जो दोबारा घूंसा मार सके। अशोक बाबू जी, पिताजी कह रहे थे कि आप कोई दूसरी कहानी लिखने का इरादा कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? बिल्कुल आपके करीब। आज तीसरा दिन है लेकिन मालूम होता है 3 मिनट गुजरे। आज तीसरा दिन है पर ऐसा मालूम होता है जैसे 3 साल बीत गए। न जाने ऐसा वक्त इतना लंबा क्यों हो जाता है। क्यों जी अशोक बाबू जी, दुनिया पर डालने के लिए तैयार है ना? हाँ डॉक्टर साहब तैयार है, पर परमात्मा करे कि दुनिया को बदला हुआ ना पाओ। जमाने को बदलते देर नहीं लगती डॉक्टर साहब। देखिए देखिए हर चीज को गौर से देखिए। प्यारी और रंगीन तो नहीं थी, मुझे ऐसा मालूम होता है कि आज मेरे जीवन का पहला सवेरा है। इतना सुहाना सवेरा कि जिसकी छटा को देखकर कलियों का रंग फूलों में बदला जा रहा है।
अरे बिंदिया, आज तो बड़े अच्छे अच्छे फूल लाई है, कितने में बेचेगी? हाँ, फूल भी नहीं है। फूल नहीं है तो ये क्या है? ये तो उनके लिए है, वो आज आ रहे हैं ना, उन्होंने ले लिया तो फूल, नहीं तो काटे। बटेर, ए बटेर, बटेर। अबे बटेर के बच्चे, दाढ़ी बनाता है या घास छिलता है? सीधी तरह बना, पर हट। अबे बुद्धू, एक तो आज ही दाम में तेरी हजामत बनाना और उस पर से ये लख ले। मैं कहता हूँ सीधी तरह बैठ, वरना कहीं दाढ़ी के बजाय तेरी नाक में साफ हो जाए। आईना देख। बटेर, ओ बटेर। बिंदिया। अबे कहाँ चला है? ए बटेर। क्या है बिंदिया? क्या है? ये ले। आज क्या बात है? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। बिंदिया, मुझे भी आज एक शिकार मिल गया है। हर दिन की दाढ़ी बढ़ गई है उसकी। मगर बिंदिया, ये तुझे कब चुकाना होगा? अरे तूने पहले कभी किसी का उधार वापस किया है? अरे परमात्मा करे तुझे नजर न लग जाए बिंदिया। अबे वो नजर के बच्चे, मेरी आधी दाढ़ी। अरे भाई, आज मैं दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाऊंगा। ये ले अपने आधे बाल और चिपका ले फिर से। हाँ, अरे भाई, मैं बनाता हूँ। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूँ डॉक्टर साहब? अशोक बाबू, इस शुक्रिया लफ्ज से मुझे बहुत ही नफरत है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया और कुछ नहीं। अच्छा, फिर कभी मिलने की कोशिश करूंगा, लेकिन बीमार होकर नहीं। अच्छा, नमस्ते। अशोक बाबू जी, कुछ दिनों तक चश्मा लगाना ना भूलिएगा। बहुत अच्छा, ये आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। जी अच्छा। डॉक्टर साहब, मैं तो यहाँ खाली आधा रहा, ये रुपए मेरी जेब में कैसे? अरे भाई, मैंने अपना कोर्स समझ कर डाल दिए, तो ये आप रख लीजिए। अगर ये रुपए तुम्हें ज्यादा चुपते हो तो काम पर लग जाने के बाद वापस कर देना। आपने मुझे खरीद लिया है डॉक्टर साहब। ठीक ठीक ठीक। बाबू, अरे अच्छे हो गए, बिल्कुल अच्छे हो गए। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया। बाबू, बाबू, आप मुझे देख रहे हैं? हाँ, देख रहा हूँ। मैं कैसी दिखती हूँ? अरे तू बहुत अच्छी दिखती है। एक गुलदस्ता आपके लिए लाई हूँ। अच्छा, क्या नाम होंगे इसके? आप बड़े निर्दयी हैं, मेरे दाम कम मांगे हैं। आपने मेरे लिए इतना दुख झेला, तो क्या मैं आपको गुलदस्ता भी नहीं दे सकती? दे सकती, दे सकती। अच्छा देख, अब तू जा, तुझे भी जाके फूल बेचने होंगे और मुझे भी जाके काम करना है। मैं जाता हूँ। मैं समझी थी कि आप पूछेंगे, क्यूरी बिंदिया, तूने ये दिन रोके काटे या हंस के गुजारे, पर आपने तो कुछ न पूछा। कभी तो पूछिएगा। Thank you.
रुक के नहीं गाओ ना। नहीं बाबा, हम अब ये गाना नहीं गाएंगे। आप और कोई सुन लीजिए, ये अच्छा नहीं। अच्छा क्यों नहीं बाबू? यहाँ एक कवि रहते थे, वो गाया करते थे इसे, मगर एक दिन इसी नदी में डूबकर उन्होंने जान दे दी। जान दे दी? मैं सच कह रही हूँ बाबू, उन्हें किसी से प्रेम था, खून नदी है, इसने बहुत प्रेमियों को निगल लिया है। भगवान ही भला करे। मौसी, मैंने तुम्हें बुलाया है गीता बेटी के बारे में बात कहने के लिए। कहो कहो, हम सुन रहे हैं। तुम तो जानती हो, इस दुनिया में तुम दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं। हाँ सच है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। मगर नहीं नहीं, हम जो हैं तुम्हारे। हाँ हाँ हाँ, जीते जीता बेटी के हाथ पीले देख लेता तो बहुत खुशी होती। ठीक है, चैन से बनना जरूरी है। हाँ, स्वर्गवासी हम लिए चल दिए थे, उनके बाद हमने सोचा शादी करके क्या पाएंगे। अच्छा ही हुआ, भगवान की याद में जीवन बीत गया। क्यों बहन? मौसी, कोशिश करके कोई नेक और अच्छा लड़का ढूंढो, गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं, भला आदमी हो, बस जल्दी हो जाए तो अच्छा है। हाँ, गीता के बराबर का हो, जैसी वो देख है। क्यों बहन? गीता की तरह सुंदर भी हो और जवान भी हो। जवान ना हो तो क्या हुआ, नेक हो, ठीक है ना? हाँ मौसी, आप ठीक समझ सकती हैं। जो आपकी पसंद होगी वही मेरी, जो आपका फैसला होगा वही मेरा। Oh,
पब्लिशर साहब कहाँ हैं? मैं जो कुछ कहना हूँ थाने चलकर कहा। मैंने कुछ नहीं किया वाला था। अरे आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? देखो तुम यहीं ठहरो। अरे पर वो अरे देखिए क्या क्या है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हुआ? क्या हुआ आपको? इन लोगों ने क्यों पकड़ लिया? जैसे नहीं इन्होंने खून किया। आप भक्त हैं? तबीयत है बाप की? गीता बेटी न जाने मेरे मरीजों का क्या हाल हुआ होगा। लीजिए दवा पी लीजिए। रामू की मां बेचारी गरीब और पब्लिशर साहब की खबर भी न ले सका। कल शाम को उनका चपरासी एक बंद लिफाफा दे गया था लेकिन आपकी आंख लग गई थी। जल्दी से पाके सुना दे बेटा। प्रिय डॉक्टर जी, आपने मेरी बहुत देखभाल की। मेरे इलाज में न दिन को दिन समझा न रात को रात, मगर मेरा नसीब कि बीमारी दूर न हुई। मौत ही अब मेरे रोग का आखिरी इलाज है। मरते मरते मैं चाहता हूँ कि आपका आखिरी शुक्रिया अदा करूँ। प्रभु हमेशा आपको सुख चैन से रखे। प्रार्थना कीजिए कि वो मुझे इस पाप के लिए क्षमा कर दे। आपका दोस्त द्वारका दास किताब वाला। चाचा जी आपके बहुत प्यारे दोस्त हैं ना पिताजी? पिताजी आपकी तबीयत तो अच्छी है ना? ठीक हूँ बेटा, मगर तुम एक काम करो, फौरन वहां जाकर ठीक ठीक बात का पता लगाओ। अगर वो जिंदा मिल जाए तो उनसे हाथ जोड़कर कहना कि निराश न होइए, परमात्मा अच्छा कर देंगे। जाओ बेटी। लेकिन आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जाऊं पिताजी? कोई बात नहीं बेटी, मुझे एक गोली और दे दो और फिर मौसी तो आती ही होंगी। न जाने वो कब आए, उन्हें तो अपने घर की चिंता लगी रहती है। वो जरूर आएंगे, मैंने उन्हें एक जरूरी काम कर रखा है। अब आप आराम से ले जाइए। तुम जाओ बेटी। ये दुकान क्यों बंद है? कल मालिक का खून हो गया है। खून हो गया? हाँ, एक नौजवान ने मार दिया है। मेरे पास उनका खत है, इसमें तो कुछ और ही लिखा है। इसी तो पता चलता है कि उन्होंने खुदकशी की है। आप वहां चलकर बयान देना होगा। मगर मेरे पे बहुत जरूरी है, एक बेगुनाह की जान खतरे में है, आपको जरूर चलना होगा। राम सिंह आपको थानेदार साहब के पास ले जाओ और ये खत भी। चलिए कहानी लिखता तो अच्छा है। हाँ सुनो, फिर वो गरीब लड़की मुझको एक डॉक्टर के घर ले गई। वो डॉक्टर क्या थे? जैसे देवर, उनकी एक नेक बेटी थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह गरीबों से हमदर्दी रखने वाली, जैसे कोई देवी हो। क्या बात है? ये खत है साहब, इससे मालूम होता है कि सेठ साहब ने खुदकुशी कर ली। ये तुमको कहां से मिला? आप लाई। बहुत अच्छा हुआ आपने ठीक समय पर पहुंचकर फंस चला था। एक लेखक है
अशोक उसका नाम है, आपने उस पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। यह खत तो किसी डॉक्टर के नाम पर है, आपको कैसे मिला? डॉक्टर मेरे पिता है। ओ आई सी, तशरीफ रखिए। क्या मैं अशोक बाबू से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, देखो आपको अशोक बाबू के पास ले जाओ। बहुत अच्छा साहब। गीता, गीता ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी की जान नहीं ली, मैंने किसी की जान नहीं ली। तुम मुझे पूरा मत समझो गीता, मुझे पूरा मत समझो, मैंने किसी की जान नहीं। रात भर बेचैन था बेचारा, अभी अभी आंख लगी, मालूम होता है कोई सपना देख रहा है। गीता, न जाने कौन गीता है जिसका दीवाना है। बाबू साहब, तो बाबू उन्हें न जगाइए, आराम करने दीजिए। खाने के लिए न रोने के लिए, चल भाग। पिताजी, देखिए देखिए, आपको आपकी गीता पुकार रही है।
पिताजी, क्या हो गया बेटी? दीदी ये सब ठीक है ना बेटी? भी पिंजरे में और मेरे बाबू भी पिंजरे में। पंछी जा और मेरे बाबू को ले आ। अशोक बाबू आप आजाद हैं। कहाँ है मेरा पपंची? ला मेरा पपंची या दे मेरे दाम। दाम दाम न दाम है न पंछी है। माफ करना पंछी अरे बाबा माफ करना। दाम नहीं तो देगी जो तेरे ममोटे ममोटे दीदे निकाल लो तो तू माफ कर देगी कर देगी। तो ला मेरा पपंची कहाँ है मेरा पपंची? वो दिखो किधर किधर है? तो सही खड़ी तो उठ जाओ मैं तो नहीं उड़ा तो दोनों लोगों को पकड़ो तो पूरी किसान उसको ले लेते जाएंगे समझा समझा कहां तक मुफा दीदी मगर दौड़ के जाएगी कहा अरे पंछी तो उड़ गया क्या तू भी उड़ गई मगर उड़ के जाएगी कहा? अरे हाथ आ जाए अगर दो महीने की फर्सी में चढ़वा दू तो कहना मेरा पंछी छोड़ दिया और आप आगे आजा बंद कर मेरा काम करेगी करेगी तो क्यों इधर कागज कहाँ बिंदिया वो डॉक्टर साहब का घर तुझे मालूम है ना? मालूम है ये चिट्ठी बांध दिया आप खुद क्यों नहीं दिया थे? अरे देख मेरा हुलिया सोरा मेरे कपड़े बड़े अच्छे नहीं है तू जाके ले आ ना पर देख ये चिट्ठी गीता देवी की नहीं देना जल्दी से पढ़ दे पढ़ दे सचमुच को पढ़ दी बिंदिया पढ़ दे नहीं तो ला मेरी अच्छा 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 मैं पढ़ता हूँ सुन सुन बिंदिया सुन आवाज भी नहीं निकलती है भूखा हूँ एक चवनी उधार दे दे अभी फटाफट पढ़ के सुना देता हूँ जब देखो मुआ भूख को मरता है अच्छा ले जल्दी सुना देना हाँ। अभी सुन ले बिंजा अभी सुन ले बिंजा इसमें लिखा है कि समझ समझ कर समझ को समझो समझ भी आखिर को एक समझ है समझ के जो न समझाए तो उसको समझो कि बेसमझ है तेरे बाबा ने भी कभी पढ़ा था बाबा ने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ मेरे बच्चे जरूर पढ़ेंगे
ये कैसी नाक है तेरी? मगर देवी जी अभी कटी नहीं है। तो कैसा शरीफ आदमी है, हंसना भी नहीं जानता। मगर आप कोई रंग रोटिंग ऑफिसर है या फिल्म डायरेक्टर? हंसना भी नहीं जानता, रोना जानता है, गाना भी नहीं जानता, नाचना जानता है, उठना भी नहीं जानता, बैठना जानता है। देखो माए, मेरी इंसल्ट मत करो, मैं अपने खानदान भर में अपनी माँ का इकलौता शरीफ लड़का हूँ। अच्छा ये तो बता, कुछ पढ़ना लिखना जानता है? अच्छा ये तो बताओ, कुछ पढ़े लिखे के लिए नौकरी लाई हो? नौकरी वोकरी नहीं, चिट्ठी पढ़ी है। तो सुनो, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, अफगानिस्तानी, पठानिस्तानी, इंग्लिस्तानी, जर्मनी एंड जापानी, शैतानी, इंसानी, हैवानी, जनानी, मर्दानी, जूली, लंगड़ी, अंधी, कानी, परंतु सब कुछ ना जानते हुए भी हिंदुस्तानी तो जरूर जानता हूँ। बस 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 बस, खोपड़ी ना जान, जानता है तो पढ़ के सुना दे। तो क्या चिट्ठी तुम्हारी है? नहीं तो क्या तेरी नानी की है? ओ, आप मेरी नानी को भी जानती हैं? शायद बचपन में उनके साथ खेली होंगी। हाँ बेटा, बचपन में खूब खेली थी, और अब भी खेलना चाहती। मेरा मतलब ये था कि कहाँ से आई है, किसकी है, किसने भेजी है? एक बड़े अच्छे बाबू ने। ओ, अच्छा अच्छा, जल्दी पढ़ना, जल्दी पढ़। रेलगाड़ी क्या छोड़ दी है? धीरे 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 पढ़। तो तुम्हें तो कह रही थी कि जल्दी जल्दी पढ़। अच्छा अच्छा सुना दे। तो जरा दूर रहिए। गीता देवी, आप लोगों के मुझ पर बड़े उपकार हैं। मुझे मालूम हो गया था कि ठीक समय पर आकर आपने मेरी जान बचाई। आगे पढ़ो। मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? मैं आपके उपकारों का बदला जिंदगी भर नहीं दे सकता। वो दिन जो आपके पास रहकर कटे हैं, मेरे जीवन के सुनहरे सपने बनकर रह गए हैं। फिर ये सुनहरा सपना क्या होता है, जरा फिर से तो पढ़ो। वो दिन जो आपके साथ रहकर बीते हैं, वो सबके सब सुनहरे सपने बनकर रह गए। वो मेरे जीवन के सुनहरे सपने बनकर रह गए। वो दिन कभी ना भूलेंगे, आपका वो गाना कभी ना भूलेगा, वो ना भूलने वाली घड़ी कभी ना भूलेगी। सच तो ये है कि मैं आपको जिंदगी भर ना भूल सकूंगा। बस बस, अरे अभी तो इसमें बहुत कुछ लिखा है भाई। मैं जानती हूँ इसमें क्या लिखा है। मालूम होता है कि बाबूजी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। अब इतना प्रेम करने पर भी कहती है नहीं, नहीं। औरत जात भी अजीब चीज है, न यो चाहे न वो चाहे। मुझसे मिलना है? हाँ तुझसे, तेरी चिट्ठी लाई हूँ, मगर मैंने रास्ते में फाड़ दी है, और तू जो जवाब देगी उसे भी फाड़ दूंगी। हाँ, किसकी चिट्ठी? जिसने तेरे घर में कुछ दिन काटे थे। क्या जवाब देना है? ये चिट्ठी तो मैंने पढ़ी नहीं, कुछ ऐसी वैसी बातें लिखी थी। अशोक बाबू की चिट्ठी थी, उनसे कहना तकदीर ने हर सहारा मेरा मुझसे छीन लिया। पिताजी, पिताजी सदा के लिए मुझसे जुदा हो गए। देखा की बात ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ राजन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करता रेखा, मैं
तुम्हारी बात के लिए। अरे ये लोग तो फिर आ गए। राजन, रेखा, ईश्वर के लिए मान जाओ, इनको अकेला छोड़ दो। सिर्फ दो मिनट के लिए मेरे पेट पे पांव मत रखो। राजन, रेखा, अशोक बाबू, इनको कुछ समझा देना। राजन, तुम रेखा को समझा देना। रेखा, तुम राजन को समझा देना। अशोक बाबू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे बिंदिया, क्या खबर लाई हो बिंदिया? उनके पिताजी मर गए। क्या कह रही है तुम? गीता ने यही कहा है। गीता के पिताजी गुजर गए बाबू? डॉक्टर साहब गुजर गए। आपको तो लग गया है बाबू। डॉक्टर साहब गुजर गए। आपको तो लग गया ही, कैसे लग गया बाबू? वहां मत जाइए, मत जाइए। गीता देवी, मुझको अब तक विश्वास नहीं होता कि डॉक्टर साहब गुजर गए। रोइए नहीं, रोने से किसकी बिगड़ी बनी है। डॉक्टर साहब इतने अच्छे और नेक इंसान थे कि सबको उनकी जरूरत थी। भगवान को भी उनकी जरूरत हुई और उसने उनको अपने पास बुला लिया। ये खून कैसा है अशोक बाबू? कुछ नहीं, यूं ही कट गया था। आप बैठिए, मैं दवा ला के लगा देती हूँ। कुछ आराम है? हाँ। वो आपने जो नई कहानी शुरू की थी, कब पूरी होगी? हाँ? मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता गीता देवी, मुझे खुद नहीं मालूम मेरा कौन सा काम कौन से समय पूरा हो रहा। सब समय का ही खेल है अशोक बाबू। हाँ, आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? उसके बारे में सोच ही क्या सकती हूँ। पिताजी का स्वभाव, उनकी गरीबों के साथ हमदर्दी को तो आपने देख ही लिया था। जो कुछ मिला कमाया, सब जरूरत वालों पर निछावर कर डाला। हमेशा अपने सर कर्जा चढ़ाए रखा। अब तो एक ही सूरत रह गई है, इस घर को बेचकर तमाम कर्जा अदा कर दूं। उसके बाद में जो होना होगा सो होगा। कितना बदनसीब हूं मैं जो ऐसे समय भी आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। कितना मजबूर कि खुद मजबूरी मुझ पर तरस खाने लगी है। गीता देवी इतने घर नहीं आ सका, उसका यही कारण था। फिर जाते जाते डॉक्टर साहब ने एक और एहसान मेरे सर पर लाद दिया। वो कर्जा भी तो मैं आज तक अदा नहीं कर सका। अशोक बाबू, वो कहानी जो आप लिख रहे हैं, किसी दिन मुझे भी तो सुनाइए। जरूर सुनाऊंगा, लेकिन आपने मेरी बात काट दी। पिताजी ने नसीहत की थी कि ऐसी बातें मैं सुना करूं। अच्छा, अब मेरा ख्याल है मैं चलूं। अशोक बाबू जी, फिर कभी आइएगा। आऊंगा, जरूर आऊंगा। काश ये घर आपके पास रहता, काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता। तो फिर क्या हुआ? ये खुली नदी है, आप किसी और जगह जाके लिखा कीजिए। बिंदिया, तो घर आओ, इधर आओ, पास आओ हमारे पास। अरे यहाँ आओ तुम। देखो, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। हाँ बाबू। वजन देखे फिर तो नहीं जाओ? नहीं बाबू, नहीं तो हमारा दिल टूट जाएगा बिंदिया। हाँ बाबू। देखो, हम वो किताब लिख रहे हैं, देखती हो ना? और उसके लिखने के लिए हमें एकांत की जरूरत होती है बिंदिया। होती होगी होती होगी नहीं होती है।
तो मैं क्या करूं? तुम आज अपने ये फूल पत्ते जाकर उस सड़क पे बेचा करो। हाँ, उस सड़क पे जाके बेचा करो। जा आप चिंता ना कीजिए। तो बस दो रोज में हिसाब करते घर का कर्जा ले जाना।
क्यों बहन? हाँ ठीक तो है। बहुत अच्छा। चलो नमस्ते। चलो आप भी बड़ी किस्मत वाली हैं। क्या बतलाऊं माता जी, तुम्हारे पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है। तुम कौन हो जी, क्या चाहते हो? चाहता तो कुछ नहीं हूँ और बहुत कुछ चाहता हूँ। बात यह है कि मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी क्या कर सकती हो। सेवा? कैसी सेवा? क्या सवाल? किताब तुम जला दो, चूल्हे में डाल दो, तो भी मैं तुम्हारे माथे की और हाथ की रेखा देखकर बता सकता हूँ कि तुम कब मरोगी। कब मरोगी, कैसे मरोगी? आज मरोगी, कल मरोगी, मोटर के ऊपर मरोगी, खटारे के नीचे मरोगी, रात को मरोगी, जिस दिन को मरोगी, आज मरोगी या कल मरोगी, मैं सब कुछ बता। मकर चक्र सब मामला चक्र। वो आप किसी जरूरी काम से गई थी और उसको पूरा करके वापिस आ रही है, इसीलिए तो चेहरे पे नीले रंग किसकी छत है, लाल लाल होंगे। शादी हो चुकी है। रंग किसकी दीवारें, बड़े ऊंचे ऊंचे उसमें दरवाजे हैं, खंभे हैं, खिड़कियां हैं, और वो ये नहीं मांगा। एकदम गीता के लायक है। किसी से गीता की शादी क्यों ना कर दी जाए, कल हवेली पर चल के बात करने के लेते हैं। अरे ये तो उसी की तस्वीर मालूम होती है। मालूम होता है उसके कोट से गिर पड़ी है। कितना शरीफ आदमी मालूम होता है, जवान भी है, रुपया पैसा भी और शान भी, अरे इतना बड़ा मकान भी। अंदर आइए। नमस्ते। तशरीफ रखिए। वो किताब मुकम्मल हो गई, ये कापी ले आया हूँ। बहुत अच्छा। हाँ मैंने आपसे कहा था कि अपनी तस्वीर खिंचवा कर ले आइए। जी हाँ बुलाया। कोई बात नहीं, आप परसों जब रुपए लेने आएंगे तब जरूर लेते आइएगा। पब्लिसिटी के लिए बहुत। ओ, परसों पैसे पूरे मिल जाएंगे? जिन लोगों से मिलना है इसी वजह से उनसे मिल नहीं सकता मैं, इसीलिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप परसों पूरे रुपए ले जाइएगा। बहुत अच्छा। अच्छा मैं चलूँ। नमस्ते। बेटी अब चलो। हाँ बेटी चलो। घर छोड़ने को जी नहीं चाहता मुझसे। किसी खबर थी कि अपना घर भी बेचना पड़ेगा? नसीब की बात है बेटी, अब अफसोस करने से क्या फायदा। ऐसा नहीं हो सकता मर्सी कि पब्लिशर साहब ये घर हमें किराए से दे दे। मगर तुम अकेले कैसे रह सकती हो फिर इतने बड़े मकान में? आप लोग मेरे साथ रहते तो कितना अच्छा होता। क्यों मर्सी? अच्छा तो होता लेकिन बेटी हम अपना घर भी तो नहीं छोड़ सकते। अब चलो बेटी, हमको तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम खुद रहोगे इस घर में? ये नहीं रहेंगे तो क्या इनका नौकर रहेगा? क्यों बेटा? जी नहीं, ना मैं रहूंगा ना मेरा नौकर। किराए पर दे दूंगा किसी को। मैं अकेला इतने बड़े घर में रहकर क्या करूँ। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। बड़ा आदमी मालूम होता है, नेक भी। इसी सेवक को तो मुंशी मुनक्का कहते हैं, हिंदुस्तान का माना हुआ मशहूर लेखक। अभी क्या है 50-40 कहानियां छप जाने दीजिएगा। जमाना पहला जब इस बचपन में ये हाल है तो जवानी में क्या हाल होगा। अभी ताजा आमद है, अर्ज किया है, सुन जरूर लो चाहे डांट दो या ना दो। अभी ताजा अर्ज किया है कि यमुना
मेरी अच्छी जमुना। बाबू आपने मेरे मन में हमेशा हमेशा के लिए जगह कर ली। आप कैसी बातें करने लगे, कहिए कैसा लिखा है? और अभी तो गाना भी अर्ज किया है, मैं सरद के यानी विज कूल रखी बा जो कह रहे। मैंने 3 दफा कहा है कि तुम यहाँ ना आए करो, जाओ यहाँ से, गेट आउट। अशोक बाबू आइए। अच्छा जाता हूँ। तशरीफ रखिए, मैंने आपकी कहानी पढ़ी, कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर। ले लीजिए अपने पैसे। शुक्रिया। अच्छा नमस्ते। ओ भैया ये मकान वाले कहाँ हैं? वो लोग सब चले गए, कहाँ गए? हम क्या जाने? मेरा ख्याल है गीता को ये लड़का जरूर पसंद आएगा। पसंद आना ही चाहिए, आखिर कमी क्या है लड़की में? क्या है मौसी? आओ बेटा बैठो। बात ये है बेटी, हमने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है। आई है बड़ा अच्छा लड़का है। हाँ बेटी वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा, हम तो उसकी फोटो भी ले आए हैं। ये देखो कितना सुंदर है, पसंद है ना? चली गई। देखा पसंद कर लिया ना उसने। क्यों ना पसंद करती, हमने ये बात धूप में थोड़ी सफर की है। अच्छा बहन अब चलकर उससे शादी की बात भी पक्की कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ शुभ काम में देर कहेगी, चलो आज ही बात किए लेते। अच्छा इसी में रहता है वो। हाँ यही उसकी हवेली है। ये दरबान इधर आ, दरबान दरवाजा खोलो भैया दरवाजा। क्या है? क्या है क्या? दरवाजा खोलो। अरे खोलो, तेरे मालिक से मिलना है। मालिक से मिलना है? लगा उन्हें तो मरे हुए साल हो गए। मैं कहती हूँ कहीं धन तो नहीं खा गया है, ठीक तरह से बात कर। अरे काली तो तेरे मालिक को हमने देखा है, जल्द खोल दरवाजा। मालिक को देखा है? हाँ देखता क्या है, दरवाजा खोल। खोलता है या नहीं? भाजी आप भूल कर रही हैं। मैं कहती तू भूल कर रहा है, या बुलाओ तेरे मालिक को। कह दिया ना यहाँ कोई नहीं रहता। मैं कहती दरवाजा खोलता है कि नहीं? झूठा कहीं का। अरे बहन देखो ये जा रहा है। भाजी रुको सुनो। अरे देखो तो अजीब, तुम लोग को ढूंढते ढूंढते तो हमारी जान आधी होगी। तुम थे कहाँ? हाँ तुम थे कहाँ? क्या बात क्या है? तुमसे एक जरूरी बात, तुम्हारी हवेली कहाँ? तुम जा कहाँ रहे हो? कहाँ तुम कहाँ जा रहे हो? न मालूम आज इसे हो क्या गया। चलो बहन से चलकर पूछे। हाँ हाँ चलो ना चलो। आखिर मेरी दो बात तो सुनते जाओ बेटा। हाँ हाँ बेटा बहुत जरूरी बात करनी। हाँ देखो ना जी, हम तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए, अकेले में दो बात कर लेते। हाँ साहब मैं बिल्कुल अकेला, बताइए क्या बात करनी है? यहाँ ये कौन सी जगह है जी? यही तो जगह है साहब, वो सामने मेरा घर है, इससे ज्यादा मुनासिब और कौन सी जगह हो सकती है? ये घर खंड है। हाँ हाँ यही घर है मेरा। बाबू 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 आप आ गए, आप कहाँ थे इतने रात? मैं तो आपकी राह देखते देखते थक गई थी। बाबू आप उदास क्यों हैं? बाबू क्यों रे, ये तेरा कौन है? मेरे बाबू, मेरे राजा। राजा बाबू चलिए चलो, ये अच्छा आदमी नहीं मालूम होता। मेरा भी यही ख्याल है, इसने हमसे झूठ कहा था। देवी होगी ठीक तो है, भला कोई इस तरह किसी से बातें करता है? झूठ बोलता था मुआ कि मेरी शादी नहीं हुई। जेब पतरा है मुआ, चोर भी होगा। बेटी बेटी वो फोटो कहाँ है? लाओ तो फाड़ कर फेंक दे। क्या हुआ मौसी? क्या हुआ? गजब हो गया गजब, कल युग है बहन कल युग। आखिर बात क्या है मौसी? धोखा हुआ धोखा। बेटी उसने हमसे सब झूठ कहा था,
हम तो उसको शरीफ आदमी समझे, लेकिन वो ठीक आदमी नहीं, शादी भी कर रखी है उसने। शादी भी कर रखी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बेटी, हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन एक मुंह भिखारन के साथ। खैर कोई बात नहीं, हमने दूसरा लड़का ढूंढ लिया। हाँ हाँ, वो किताब वाला बहुत अच्छा आदमी है। हाँ बेटी, हमने तो उससे बातचीत भी कर ली है, वो तुमको जरूर पसंद आएगा। आज तुम्हारे पिताजी होते तो उनका भी फैसला यही होता, इसीलिए तो हमने फैसला कर लिया है। और मालदार भी है, तुम सुखी भी रहोगी। अच्छा बेटी, हम जाते हैं, हमें अभी बहुत से काम करने। हाँ बेटी, दिन ही कितने रह गए हैं। चलो बहन। हाँ हाँ चलो।
मालिक। क्या है नंदू? एक बात पूछना चाहता हूँ मालिक, आप नाराज तो ना होंगे? क्या बात है? यही मालिक, क्या इतने दिनों से देख रहा हूँ कि आप कुछ खोए खोए से रहते हैं। दिन दिन भर हो जाता है, आप मकान भी नहीं आते। फिर आपने इतना बड़ा मकान क्यों ले रखा है मालिक, जब आप इसमें रहते ही नहीं? आपके बगैर ये मकान सुना सुना मालूम होता है। भगवान की दया से आपके पास सब कुछ है, फिर आप इतना परेशान क्यों होते हैं मालिक? आखिर कमी किस बात की है? कमी? इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता नंदू, लॉक कर दो। कहाँ चले मालिक? अभी तो आप आए हैं, थोड़ी देर आराम कीजिए। अपनी किस्मत में आराम नहीं है नंदू। बिंदिया, 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 कौन बिंदिया क्या करता है? कप्तान बैठ जाओ। क्यों जी? आप वही हो ना जो हमारे पास उधार हजामत बनाया करते थे? कहाँ गायब हो गए थे? हमारा कर्जा चुकाए बगैर मिस्टर? भाई वही चुकाने आया हूँ, माफ करना, ज्यादा देर हो गई। जरा देर हो गई जरा देर हो गई बाबू, ये पुराना कायदा है, जिसका कर्जा चुकाना हो यार लोग उसके मोहल्ले से भी नहीं बिल्ला करते। जरा देर हो गई यार। वाह वाह, ये क्या है? ये एक रुपया तुम्हारा असल है, बाकी का तुम्हारा सूद है। सूद? हाँ। अरे सामी, इतने सारे रुपए, मेरे सारे उम्र भर की कमाई। बिंदिया कहाँ? बिंदिया, अरे रुपए। बिंदिया कहाँ? कौन बिंदिया? अरे बिंदिया, 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 कौन बिंदिया? अबे बिंदिया कहाँ है? ये रही बिंदिया। बढ़े बिंदिया, किधर है बिंदिया? बिंदिया बाबू, वो बीमार है, इसलिए मैं उसके फूल बेचने आया करता हूँ। मगर हजाम का बच्चा क्या फूल बेचा करेगा? कहाँ रहती है? अपने झोपड़े में रहती है बाबू। जरा मुझे उसके पास ले चलो ना। उसके पास ले चलो? हाँ। जरा टांगा मंगा देना, अरे जरा लपट के खुद लाओ ना यार लोग उसमें कस के सवारी करेंगे, कस के दुश्मन खेलेंगे और बड़ा आनंद रहेगा बाबू, बड़ा आनंद रहेगा। चलो मेरे पास मोटर है, उसमें चलते हैं। मोटर? मोटर? हाँ मोटर। अरे हाँ मोटर है क्या? पंपू? हाँ जो वो पंपू गया काम, गया काम के बाबू, बाबू आप पंपू वाले बाबू। इंडिया, बिंदिया, अरे देख तो सही तेरे घर कौन आया है? मेरा मामी कौन है जो मेरे घर आएगा? मुझे देख तो सही, अरे बाबू बन गए जेंटलमैन। आइए बिंदिया। बटे भी मुझसे कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अब कैसी? ठीक हूँ, ठीक हूँ बाबू। तुम्हें ये शिकायत होगी ना कि मैं इतने दिन तुम लोगों से मिलने नहीं आया। वो डॉक्टर साहब का घर था ना बिंदिया, वो मैंने किराए से ले लिया था और इतने दिन में उससे बाहर ही नहीं निकला। तभी तो आप नदी किनारे नहीं दिखाई दी, मुझे लगा कि आप हम लोगों को भूल गए। हाँ बिंदिया, मैं तुम लोगों को भूल गया था, मगर तुम लोगों ने ही तो मुझे कभी याद नहीं किया। हमने आपको बहुत ढूंढा, आपका कहीं पता नहीं लगा। खैर आप आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम क्या बीमार हो गई? इस बीमारी का नाम मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं अच्छी हो जाऊंगी। तुम कोई इलाज विलाज भी करती है नहीं? पागल हो तुम। देखो ये लो। ये क्या बाबू? न जाने आप मुझे क्या समझने लगे। मैं जानता हूँ तू बड़ी आन वाली है बाबा, जब तू अच्छी हो जाएगी ना तो इन पैसों के गुलदस्ते रोज मुझे ला के दिया कर। अब तो ठीक है ना? हैं? ठीक है ना? अच्छा वादा करो कि तुम अपना इलाज करोगे, पक्की बात? मेरी वफ़ा में मेरा ही
और दावत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बड़ी धूमधाम की दावत है। मुझे मालूम है मौसी, मैं उनके यहाँ जरूर जाऊंगी और फिर किसी की कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद भी तो देना है। खूब अच्छी सी साड़ी पहनना और अच्छे अच्छे गहने भी। रामदास जी, अशोक बाबू अभी तक नहीं आए, अभी आते ही होंगे, आप लोग तशरीफ रखिए। शर्मा जी, आप खड़े क्यों, बैठिए ना। मिस्टर रामदास, अभी तक अशोक बाबू नहीं आए, अभी आते ही होंगे, आप लोग तशरीफ रखिए। आइए आइए, तशरीफ रखिए। मिस्टर रामदास, क्या बात है, अशोक बाबू नजर नहीं आ रहे हैं। बस आने ही वाले, आप तशरीफ रखिए। आप लोग आ गए, अंदर चलिए। आइए आइए अशोक बाबू, आप ही का इंतजार था। माफ कीजिएगा, मुझे जरा देर होगी। हाँ कोई बात नहीं, अंदर चलिए चलिए। अशोक बाबू, आपने अनोखे आप बहुत अच्छी छोड़ने के आप लोग शांति से बैठिए, अब अशोक बाबू अपनी तकरीर करेंगे। भाइयों और बहनों, आज आप लोगों ने यहां बुलाकर जो मुझे मान दिया है, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए ना ही मेरे पास अल्फाज हैं और ना ही मेरी जबान में ताकत। आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज का दिन वो
क्या हुआ? गीता देवी इधर आई, इधर आई। अशोक बाबू, गीता देवी आप उनके पास रहिए, मैं भी आता हूँ। देखिए आप किसी को अंदर ना जाने दें, काम खा उन्हें परेशानी होगी, मैं भी डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। अच्छी बात है, आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब तबीयत कैसी है? बैठ रहिए। आज अचानक इस तरह आपको देखकर मुझे कुछ हो सा गया। आपकी बीवी आपके साथ नहीं आई? पागलों किसी बात न कीजिए, मैंने शादी ही कब की? आप सच कह रहे हैं? अशोक बाबू आपसे मिलने आया हूं। आइए आइए। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, जरा यहीं यूं कहिए कि दिल बहलाया जा रहा था। तशरीफ रखिए, आपको एक तकलीफ देने आया हूं। क्या सेवा कर सकता हूं? बात यह है अशोक बाबू कि मैंने शादी का फैसला किया है। मुबारक हो, बड़ा नेक इरादा है। मजबूरी के साथ कहना पड़ता है कि मुझे इस घर की जरूरत है। वैसे तो मेरा कोई हक नहीं, लेकिन क्या करूं, दुल्हन और उसके घर वालों के मन का मामला है, इसलिए मुझको आपके पास आना पड़ा। वैसे तो अभी इस घर को मैं छोड़ देता, लेकिन यहां भी दिल ही का सवाल है। पब्लिशर साहब, मेरी मोहब्बत ने पहले इसी घर में जन्म लिया था। अशोक बाबू, आपकी कहानी में जो डॉक्टर का घर है, क्या वो यही मकान तो नहीं? जी हाँ, यही मकान है। और आप खुद वो मुसाफिर हैं जो इत्तेफाक से इस घर में आता है? जी हाँ। तो जिस रेखा से उसकी मोहब्बत, वो डॉक्टर साहब की बेटी गीता देवी? मोहब्बत तो नहीं पब्लिशर साहब। मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा मैं चलूंगा। किताब वाले की चिट्ठी है, जल्दी पढ़ो बहन, शायद मकान का इंतजाम कर लिया होगा। यही लिखा होगा, बड़ा नेक आदमी मालूम होता है।
लगता है मैं शादी नहीं करूंगा। कोई वजह भी तो नहीं लिखी, झूठा कहीं का, दगाबाज कहीं का। गीता, गीता बेटी, गीता, ओ गीता बेटी, बेटी आज नौकर ने उसे धोखा दिया, कमीने ने इनकार कर दिया। किसने इनकार किया, किसने धोखा दिया? वही मुआ किताब वाला धोखेबाज निकला, आदमी के भेष में शैतान निकला। आखिर हुआ क्या मौसी? लिखता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, पाजी कहीं का। क्या सच मौसी, उसने इनकार कर दिया? हाँ बेटी, ये देखो उस कमीने ने चिट्ठी लिखी है, झूठा कहीं का। ये सब तुम्हारी जल्दबाजी का नतीजा है। मेरी जल्दबाजी का नतीजा है? तो तुमने भी तो उसे पसंद किया था। अगर मैंने ये नहीं कहा था कि तुम शादी पक्की कर लो। तुम झूठ बोलती हो। अब याद न कर भूल जाए दिल वो फसाना, वो प्यार की घड़ियां वो मोहब्बत का जमाना। अब याद न कर, क्यों याद तुझे आती है बीती हुई बातें। तू भूल जा, तू भूल जा वो प्यार के दिन प्यार की रातें। अब टूट चुका है वो तेरा ख्वाब सुहाना, वो प्यार की घड़ियां वो मोहब्बत का जमाना। अब याद न कर, झूठी रह जाती हुई मस्त हवाओं, ऐसा दिल सारो रंगी सजाओ। तुम जाके मेरी ख्वाब मेरा हाल सुनाओ, तुम जाके मेरी ख्वाब मेरा हाल सुनाओ। कह दो कि मेरा दिल है तुम्हारा दीवाना, कह दो कि मेरा दिल है तुम्हारा दीवाना। है प्यार की घड़ियां है मोहब्बत का जमाना। आती है मेरे कानों में ये किसकी सदाएं। तू तुझसे खुद ही पूछ लो हम क्यों ये बताएं। याद आने लगा फिर मुझे वो फूल फसाना, वो प्यार की घड़ियां वो मोहब्बत का जमाना। वो प्यार की घड़ियां, प्यार की घड़ियां। अरमानों के गुलशन में नए फूल खिलाए। हम तेरे हैं दिल तेरा है ये भूल न जाना, ये भूल न जाना। हम तेरे हैं दिल तेरा है ये भूल न जाना, भूल न जाना, ये भूल न जाना। अरे अशोक बाबू, मैं रोज इसी तरह गिरता रहूंगा, आप मुझे रोज बचाया करेंगे? हाँ। आइए बैठ जाए कहीं। क्यों? कुछ न कहीं। ये जरूर, बहुत बातें बनाने लग गए हैं आप, और आपकी ये बुरी आदत भी गई थी। कौन सी बुरी आदत? बात जो काट देती हैं आप, जब भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस वक्त आप घर जाइए, देखिए आप भी गए हैं कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। आपकी वला से खराब हो जाए, हमें इस वक्त अच्छा लग रहा है। कह जो दिया कल जो। अच्छा चलिए, मैं आपको घर तक तो छोड़ा हूं। जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा तो फिर कल। हाँ कल इस वक्त। इसी वक्त।
अरे बिंदिया, ओ बिंदिया, अरे बिंदिया उठ, देख हम भीग गए सब, देख है? देख कैसे बाबू? वो नदी है ना, उसमें मेरा पैर फिसल गया। हाय राम, मैंने आपसे बार बार कहा कि वो नदी खुली है, आप वहाँ ना घुमा कीजिए, कहीं सर्दी से आपको बुखार ना आ जाए। अरे बुखार तो हो ही रहा मुझको। हाँ। क्या है आपको डॉक्टर साहब? मैं किस तरह आपको समझाऊं कि मेरा वहां जाना बहुत कीजिए। बाबू, बाबू बिंदिया, तुम फौरन नदी किनारे जाओ, वहां किसी को मेरा इंतजार हो, उनसे कहना कि ये लोग मुझे जाने नहीं देते, मैं मजबूर हूं, आज नहीं आ सकूंगा। जानती हो किसको मेरा इंतजार होगा? हाँ, गीता को। तो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ बिंदिया। देर न करो बिंदिया। इंतजार हो रहा है किसी का? ओ बिंदिया, मगर ये इंतजार कैसा? तुम्हारी आंखों में आंसू तो दिखाई नहीं देते। आंसू? आंसू तो उनकी आंखों में दिखाई देते हैं जिनकी इंतजार की घड़ियां निराशा में बदल जाती हैं। मगर ये सब तुम क्या जानते? तुमने किसी से प्रेम किया होता, तुम्हें भी किसी का इंतजार होता, तब तुम्हें मालूम होता। तुम तो सिर्फ फूलों से खेलना जानती हो। हाँ, मैं क्या जानू? न मैंने किसी से प्रेम किया है, न किसी का इंतजार। मगर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मुझे किसी? मालूम न होता तो मैं यहाँ आती किस लिए? सुनो, जिनका तुम इंतजार कर रही हो वो तुमसे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे? वो बीमार है। बीमार है? चलो मैं उन्हें देखने के लिए चलती हूँ। उन्होंने आने के लिए नहीं कहा है। आने के लिए नहीं कहा, मगर बहुत बेचैन हो रही है उनसे मिलने के लिए। मगर वो तुमसे क्यों मिले? तुमने तो उनके इंतजार में तो घड़ी भी बिताई नहीं होगी। मगर किसी ने तो उनके इंतजार में सारी जिंदगी बिता दी है, फिर भी उन्हें उसकी खबर तक नहीं। तुम उनसे प्रेम करती हो, अभी जो कुछ तुमने कहा वो तुम्हारी कहानी थी। सच कहो बिंदु, बोलो बोलो बिंदु। मैं क्या जानू प्रेम करना, मैं तो सिर्फ फूलों से खेलना जानती हूँ। प्रेम तो तुम करना जानती हो, क्योंकि तुम एक बड़े घराने की लड़की हो, एक बड़े डॉक्टर की बेटी हो। तुम्हारे पास सूरत है, सीरत है, इज्जत है, दौलत है, सब कुछ है। मेरे पास क्या है? और फिर मुझसे से गरीब को मोहब्बत करने का हक भी क्या है? बिंदु, तुमने कभी अपनी हालत उनको कही है? क्या वो इशारों को नहीं समझ सकते? पर वो मेरे इशारों को क्यों समझे? जब मेरी किस्मत ही खराब है, उनका क्या दोष? वो तुम्हें प्यार करते हैं गीता, भला क्यों न करें? मोहब्बत की नजर में दोनों बराबर हैं। मोहब्बत अमीरी और गरीबी को नहीं देखती। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती? बोलो बिंदु,
मुझसे क्या हमदर्दी हो सकती है तुम्हें कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो? आखिर किस लिए? इसलिए कि हमारी तुम्हारी कहानी एक है, हम दोनों की मंजिल एक है। ऐसी जिंदगी से तो मौत कहीं अच्छी। दिल छोटा ना करो बिंदु, आग लगी ऐसे मुंह दिल को जैसे सीने में तूफान बंद कर दिया हो। लाख बार समझाया कि मुआ अपनी हस्ती को तो देख, चला है मोहब्बत करने और फिर उनको जिनको तेरी खबर तक नहीं। मुझे तो अपने अरमान नदी की लहरों में डूबते नजर आ रही है। खामोश बिंदु, ऐसी बात फिर कभी जबान पर न लाना। तुम्हें अभी बहुत दिन जीना है, मर मर के जीना भी कोई जीना है। बिंदु, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए उनको सदा के लिए छोड़ दूंगी। तुम मेरे लिए उनको छोड़ दोगी सदा के लिए? क्या तुम सच कह रही हो गीता? अब जाओ और जाकर उनसे मेरा संदेशा कह दे, कहना तुम्हें गीता इस जीवन में नहीं मिलेगी, उसकी शादी किसी और जगह ठीक हो गई है। जाओ बिंदु, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आप सो रहे हैं बाबू? अगर सोता भी तो सपने में तुम्हारा इंतजार रहता। कहो क्या जवाब लाई हो? वो आपसे मिलने नदी किनारे में आया करेंगी, यही जवाब दिया है उन्होंने। क्या कहा? यही कि वो आपसे मिलने में आया करेंगी। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। मिल गया, तुमने सुनने में गलती की होगी, मैंने वैसा कभी नहीं कह सकती। हाँ, यही कहा है। और ये भी कहा है कि उनकी शादी किसी के साथ ठीक हो गई है। ये गलत है। मैं कहती हूँ ये ठीक है। वैसा कभी नहीं कह सकती। मैं सच कह रही हूँ। झूठ कहा है? मैं सच कह रही हूँ बाबू। जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। बाबू मैं झूठ कह रही हूँ, मैं झूठ कह रही हूँ। मैंने झूठ कब कहा? मैंने झूठ कब बोला बाबू? बाबू कहाँ चले आप? आप बीमार हैं बाबू, कहाँ चले आप? वहाँ नहीं जाइए, उन्होंने यही कहा। सुनो, गीता देवी हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक। आइए मैं खबर किए देती हूँ। चलो। गीता रानी, आपसे अशोक बाबू मिलने आए। अशोक बाबू? अच्छा, उन्हें दूसरे कमरे में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। गीता, बिंदिया कहती थी आपकी तबीयत अच्छी नहीं। बहुत पकने लगी है वो आजकल। आपको ऐसी हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ ठीक है, मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर मैं क्या करता था? क्या हुआ? तुम सुन के हंसोगी? नहीं हंसूंगी मैं।
गीता बिंदिया ने मुझे डरा दिया और मैं भी ऐसा पागल हूँ कि मैं। इसमें क्या पागलपन है? उसने जो आपसे कहा ठीक कहा। क्या मतलब? यही कि आपका मेरा मेलजोल हमारे बुजुर्गों को पसंद नहीं। मेरी मौसियों ने पिताजी के कहने से मेरी शादी एक जगह तय कर दी है। अब आप ही बताइए मैं उनकी मर्जी के खिलाफ क्या कर सकती हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। बुजुर्गों का कहना मानना हर शरीफ लड़की का फर्ज है। मेरी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहेगी कि वो आपको सुखी रखे। अब मैं चलूंगा। अशोक, अशोक, मैंने जो कुछ कहा समझौता समझौता। बाबू कुछ तो नहीं हुआ मुझे। मुझे आपसे डर लग रहा है। मुझसे मत डर। अच्छी मुझसे मत डर। वो गाना सुनाओगी? कौन सा बाबू? वही जो उस दिन तुमने मेरे साथ गाया था। याद रखना जानता हूँ। नहीं बाबू वो मैं नहीं सुनाऊंगी। कोई और सुन लीजिए। वो अच्छा नहीं बाबू। अच्छा है बिंदिया। वही भी नहीं बाबू। वो मैं नहीं गाऊंगी। तुम वही गाओगी बिंदिया। वही गाना गाना होगा आज बिंदिया। तुम वही गाना गाओगी। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे जाने दीजिए बाबू। मुझे जाने दीजिए। मेरी खातिर गाओ बिंदिया। मेरा मन मत तो आगे ही बहुत दुखी हूँ बिंदिया। मैं आगे ही बहुत दुखी हूँ। अच्छा I'm
नदी किनारे बिंदिया, मैं नदी किनारे जा रहा हूँ अपनी कहानी पूरी करने। कहानी पूरी करने? नदी किनारे न जाइए, नदी किनारे न जाइए बाबू, वहाँ न जाइए। बात करने का वक्त नहीं है बहन, बस इतना ही कहना है कि वो तुम्हारे हैं, वो तुम्हारे हैं, तुम उनको रोक सकती हो, जल्दी जाओ बहन, नहीं तो अपनी जान नदी में डूब कर दे देंगे। मैंने लाख बार मना किया मगर 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 बिंदु मैं नहीं जा सकती, वो तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा बनना नहीं चाहती। तुम जाओ, उन्हें समझाओ, वो तुम्हारा कहना जरूर मानेंगे। वो मेरा कहना नहीं मानेंगे, वो मेरा कहना नहीं मानेंगे, वो तुम्हें प्यार करते हैं गीता, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, मैं सच कह रही हूँ। जल्दी चलो, ये समय सोचने का नहीं, जल्दी चलो बहन, जल्दी चलो, ये समय सोचने का नहीं। करते हैं कि उसने गलत तो नहीं कहा,